और अब बात करते हैं खारगोन की, जहां आगामी त्योहारों को लेकर कसरावत तहसील कार्यालय में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिनमें एसडीएम संगप्रिय द्वारा बकरीद एवं गुरु पूर्णिमा और आने वाले सभी त्योहार के दिन आपसी भाईचारा रखकर शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की गई। वहीं धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी बात कही गई। साथ ही चुनाव के चलते इन त्योहारों को राजनीतिक रूप नहीं देने की भी अपील की गई। इस दौरान मंदिर एवं मस्जिद ईदगाह में साफ सफाई, पानी और बिजली व्यवस्था रखने की बात कही गई। इस अवसर पर कसरावद एसडीएम संगप्रिय, एसडीओपी मनोहर गवली, कसरावद थाना प्रभारी पुष्पकरण मुवेल, तहसीलदार रमेश सिसोदिया और सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। विराट 24 न्यूज के लिए कसरावद से संवाददाता प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट। ये मिलन समारोह वाला जो टेंट रहेगा, मान लीजिए ये नहीं रहेगा, केवल केवल धार्मिक ये रहेगा। आस्था के विषय जो परंपराएं हैं मूलभूत, उनका निर्वहन किया जाएगा, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। कि किसी प्रकार से ये ईदगाह के कार्य त्योहार को राजनीतिक रूप ना दिया जाए, सीधी सी बात है। लोगों को मतदान के दिन केवल दो वाहन की अनुमति होगी, एक अभ्यर्थी और उनके निर्वाचन अधिकर्ता के, केवल दो वाहन। वो दो वाहन इसलिए है कि वो निगरानी रखना है।